बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे, तो अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो अपने जानवरों का, अपने पेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उनकी केयर कीजिए, उनको सर्दी से बचाइए। अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि उनको सर्दी ना लगे, उनके लिए प्रॉपर एक रूम बनाएं या जो भी है ना, उनको कवर करके रखें, सर्दी से, हवा से उनको बचा के रखिएगा। ये देखें, मैंने अपनी मिनी ज़ू को प्रॉपर बंद किया हुआ है ताकि सर्दी से वो बच सके। तो दोस्तों, आज आपको एक बात बतानी है जो कि एक सरप्राइज़ है। आज हम अपने मिनी ज़ू के लिए एक न्यू पेट्स लेके आएंगे। वो बात हो गई है मेरी ओलेक वाले भाई से, तो इंशाल्लाह उन्होंने शाम का टाइम दिया है, तो आज उनके पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ लेके आए, तो आप सब के लिए वो सरप्राइज़ होगा। आज मुझे सर्दी ज़्यादा फील हो रही है, तो आज अपने बर्ड्स के लिए ना थोड़ी सी सॉफ्ट फूड तैयार करेंगे और डाइट में आज ब्रेकफास्ट इनका ये करवाएंगे। तो पहले सॉफ्ट फूड तैयार कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। 75 years later। जी तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है सॉफ्ट फूड की तैयारी के लिए। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, क्योंकि सॉफ्ट फूड में ना जो दाल या चने, वो उसको रात को भी होना पड़ता है, तो वो मैं नहीं कर सका रात को, इसलिए मैंने सिंपल बना लिया जो मेरे पास चीज़ इस टाइम अवेलेबल थी। तो करते हैं शुरू। ये ब्रेड क्रश करा लिया मैंने, ये दो बॉयल एग्स बॉयल करवा के मैश करवा लिए, और इसके हम यूज़ करेंगे ये मोरिंगा लीफ पाउडर। ये बर्ड्स के लिए सर्दियों में बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही कारामद है। ये जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं। ये किसी पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है, वैसे आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट फूड तैयार हो चुकी है, तो अभी अपने बर्ड्स को सर्व करेंगे हम, माशाल्लाह। तो दोस्तों, अब हम हो गए हैं रेडी, क्योंकि ड्यूटी पे भी जाना होता है, ऑफिस प्राइवेट जॉब है, तो मिलते हैं 8-10 घंटों की ब्रेक के बाद। तो फाइनली हम अपना पार्सल रिसीव करने पहुंच गए हैं, तो भाई को कॉल किया है, वो आ रहे हैं, तो फिर करते हैं अपना पार्सल रिसीव। हमारे भाई आ गए हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आ गया हमारी चीज़ें, पेट्स आ गया हमारे, बिल्कुल 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 फ्रेश है, वही जो सी आपने कही तो वही है। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो पार्सल हमने रिसीव कर ली अपने, तो अब हम अपने मिनी ज़ू में जाके तो इनको अनबॉक्सिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिनी ज़ू में पहुँच गए हैं, हमारे पार्सल्स भी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह अब इनको ओपन करते हैं और आप सबको सरप्राइज दिखाते हैं। उमर भाई, करते हैं अनबॉक्सिंग। रुको जरा, सबर करो। चलें जी। बिस्मिल्लाह की बरकत, माशाल्लाह।
नीचे छोड़ दो इसको, नीचे छोड़ दो। ओए ये तो देखो, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये तो ऐसे जैसे एक दूसरे से नाराज है। एक पार्सल हो गया है, अब दूसरे पार्सल की बारी है। चले उमर भाई वो भी जरा ओपन करें। वाह रे वाह जी, तो ये है हमारी गोल्डन बफ। तो अब उमर भाई इनको अपने केजेस में छोड़ते हैं, क्योंकि अभी केजेस भी कम है, तो इनको अब एडजस्ट करते हैं किसी ना किसी जगह पे। ला ली है हमारे पास जगह थी, तो अब हम इसको इधर डाल रहे हैं। तो इनके लिए छोटा, पर अब मजबूरी है, जब तक इनका केज नहीं बन जाता तब तक ये इधर ही है। तो दोस्तों अब रैबिट्स की बारी है, अब उनको उनके केज में डालते हैं। चलो तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।